ये भी पुरानी होगी, ये भी, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पूजा, पूजा कहाँ हो तुम? अभी तक तैयार नहीं हुई हो, देर हो जाएगी सपना। क्या करूँ माँ, कोई ड्रेस जची नहीं रही है। इनमें से है कुछ तेरे लाए? ओहो, अरे वाह, नई ड्रेसेस कब खरीदी? बनाई है। ये जानते हुए भी कि तुम्हें हमारी बनाई हुई ड्रेसेस कभी पसंद तो आती नहीं। मेरी अच्छी माँ, ठीक है तो आज सपना अपनी मम्मी की चॉइस के कपड़े पहनेगी, ठीक है? अच्छा लग रहा है ना माँ? बहुत अच्छा लग रहा है, ये रंग तुझ पे बहुत खिलता है। चल अब देर हो जाएगी, जल्दी से जाकर तैयार हो जा। आज राजकुमारी सपना अपनी मम्मी की पसंद की ड्रेस पहनेगी, मदर्स चॉइस। सपना, अरे पूजा कहाँ थी तुम? अच्छा ड्रेस थ्री करने गई थी। तुम कितनी प्यारी हो, कब से ढूंढ रही थी इस ड्रेस को, अब ना मैं यही ड्रेस पहनूंगी, मेरी फेवरेट ड्रेस है ये। माँ, माँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं सपना, मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुझे पसंद है ना? तो जा जल्दी से तैयार हो जा, क्लास के लिए देर हो रही है। अभी आती हूँ। रिक्शा जल्दी बढ़ा। ओहो बजरंग भैया, पहले अपनी 45 वाली फटपटिया तो स्टार्ट कीजिए। हाय भैया। अरे हाय भैया। हाय। अब तक मेरे बिना तेरी लूना स्टार्ट ही है, जो अब हो जाती। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे चुड़ैल। हाय भैया।
जाइए बजरंगबली का नाम लीजिए और पढ़ाई का श्री गणेश करिए। जी भैया। अरे सुनिए, वो क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू मेंशन नॉट। जाने दीजिए, अनपढ़ हैं सबके सब, अंग्रेजी नहीं आती है ना, इसीलिए हंस रहे हैं। आप लोग जाइए जाइए। सपना, वो देख तुझे घूर रहा है। इधर मत देख। अरे मेरे देखने से क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वैसे भी कोई नहीं देखता। सुनिए, बीए फर्स्ट ईयर की क्लास किधर है? ऊपर रूम नंबर 1, यहाँ से जाइए। धन्यवाद। अरे बस, चलो बैठ जाओ तुम लोग, जल्दी चलो चलो, तुम लोग इधर आओ। अरे तुम लोग इधर आओ। तुम लोगों को बुला रहा हूं मैं। हिंदी समझ में नहीं आती क्या? अभी भी चुप? ये तो हद हो गई यार। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा। और तुम्हारा? सपना। सपना, सपना एक ठो गाना सुना दो फंटा प्लस। गाना? हाँ गाना। क्या हुआ? गा दो, इसकी जान भी बच जाएगी। पर एक बात याद रख, अगर गाना खराब हुआ तो पूरे 1 साल तक सीनियर जहां भी दिखेंगे पूरे 90 डिग्री झुक कर सलामी देनी होगी। तिवारी बधाई से। तो आइए, यहां आइए और शुरू हो जाइए। चलो भाई ताली बजाओ सब कोई।
राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे सारी रैगिंग कैंसिल। सरस्वती बसती हैं आपकी आवाज में। बिल्कुल सही कहा जेडी, तुम में नेचुरल टैलेंट है। जेडी, हमारे हिंदी दिवस के लिए इसकी आवाज कैसी रहेगी? गाएगी ना मैडम, बिल्कुल गाएगी। अब नहीं है तो क्या हुआ, हमारे कॉलेज की इज्जत का सवाल है। क्या नाम है आपका? अलका। भाई अलका जी, आपके संगीत कला ने हम सबका दिल जीत लिया है। कल मेरी तरफ से आप चारों को 80 घाट पर कल्लू हलवाई की दुकान में समोसे और जलेबी की पार्टी, आइएगा जरूर। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, अगले महीने हिंदी दिवस पर आपको अपनी संगीत कला का प्रदर्शन फिर से करना। अलका, पूजा, जल्दी चलो। क्या हुआ भाई, इतनी जल्दी क्लास खत्म? पहला दिन बजरंगी भैया, पहला दिन। आप अपनी फटफटियां शुरू कीजिए। हाँ, ठीक है। फाल का, हमें तो पता ही नहीं था तुम इतना सुंदर गाती हो। कुछ भी कहो अलका, तुमने तो सबको चुप ही करा दिया, तुम तो पहले दिन स्टार बन गई। अच्छा, अब ये सब छोड़ो अलका, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमारे सीनियर्स हैं, कोई बुरे लोग नहीं। प्लीज तुम लोग घर पे कुछ मत कहना, दादाजी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगे। तेरी कसम, हम किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, समोसे पार्टी का क्या करना है? हम नहीं जा रहे हैं। अरे अलका चलना, कितना मजा आएगा। अरे वैसे भी सब कितनी तारीफ कर रहे थे तेरी, है ना? हाँ, अपना बाबा से बात करेंगे। लो भाई, स्टार्ट हो गई हमारी सवारी, चलें? चलो चलो। चल भाई विष्णु, रिक्शा निकाल।
अरे नमस्कार प्रोफेसर साहब। अरे नमस्कार, आइए 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 परिमल जी, बैठिए। कैसे आना हुआ? हमने बुलाया है। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है बस। भाभी जी, ये रहा आपका हार। बहुत सुंदर है। हमने कहा था ना भाभी जी, आप एक बार हार देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। अच्छा तो चलता हूँ भाभी जी। आप रुकिए तो, हम पैसे लेकर आते हैं। भाभी जी, इस घर में रुपए पैसों को लेके आज तक कोई ऊंच नीच हुई है? बस मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी। कुछ चाय वगैरह तो? बिल्कुल नहीं भाभी जी, बस चलूंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। देखिए ना, ना सुंदर हार बनवा के लाए हैं। महंगा लगता है। हमारी कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अपने पुराने गहने तुड़वा कर नए डिजाइन का हार बनवाया है सपना के लिए। आपको तो कोई चिंता है नहीं अपनी बेटी की? कल को उसकी शादी होगी तो अभी से चीजें इकट्ठी करेंगे, तब जाकर ना शादी तक कुछ जमा हो पाएगा। बात तो आपकी सही है, लेकिन हम भी क्या करें, हमारी बेटियां हमें अभी भी छोटी ही लगती है, नन्ही मुन्नी गुड़िया जैसी। यहाँ भी साहित्य। वैसे एक बात और है सुषमा जी, शादी हम पहले करेंगे पूजा की, वो हमारी जिम्मेदारी है, क्या कहती हैं? आपको नहीं लगता उसकी आंखों में एक तरह का सोनापन है? हम उसके हाथों में मेहंदी रचाकर, उसके लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढकर उसका ये सोनापन खत्म कर सकते हैं। कुछ नहीं बताएंगे। अरे लो, आ भी गई हमारी बेटियां। कैसा रहा कॉलेज में पहला दिन? अच्छा था चाचा जी। माँ ये कितना सुंदर हार है माँ। भगवान का शुक्र है हमारी बिटिया को कुछ तो पसंद आया। हमें कॉलेज पहन के जाए? नहीं, ये हमने खास मौके के लिए बनवाया, अपनी शादी पर पहनोगी तुम। माँ माँ एक मिनट इधर दिखाना तो। माँ ये हार पूजा पे कितना अच्छा लगेगा ना, है ना? हाँ, तुम्हारे बाबूजी भी यही चाहते हैं कि पहले शादी इसी की हो। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और वैसे भी चाची ने तुम्हारे लिए बनाया है ना, हम इसे अभी वापस करके आते हैं। अच्छा बाबा जा।